वहीं दूसरी ओर डायरिया बीमारी से मृत लोगों के परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर स्वतंत्र छात्र संगठन ने दुर्ग कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बीते दिनों भिलाई के कैंप एवं खुर्सीपार क्षेत्र के आवासों में गंदे पानी के कारण डायरिया बीमारी फैलने के साथ आम लोगों के बीच दहशत का माहौल निर्मित हो गया था। इस बीमारी से काफी लोग शिकार भी हुए हैं। इसी कड़ी में स्वतंत्र छात्र संगठन छत्तीसगढ़ के बैनर तले युवा मंगलवार को दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंच डायरिया बीमारी से मृत लोगों के परिवारों की मुआवजा दिए जाने की मांग की। साथ ही बताया कि इस बीमारी ने दो मासूमों की जान ली है, जिसमें एक 28 वर्षीय युवक जो कि अपने परिवार का पालन पोषण करता था और वहीं दूसरा 12 वर्ष का मासूम इस बीमारी के चपेट में अपनी जान गंवा दिया। इसी कड़ी में युवाओं ने दुर्ग कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और मृत लोगों के परिवारों को सरकार की तरफ से 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने और डायरिया से पीड़ित मरीजों को अच्छा उपचार दिए जाने की बात कही। इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। सरकार से अपील कर रहे हैं कि भिलाई में डायरिया जिस हिसाब से फैल रहा है, 850 लोग चपेट में आ चुके हैं डायरिया के और निरंतर ये डायरिया फैल रहा है। प्रशासन में कोई फिर उलट पुलट नहीं है, तो हम ये मांग कर रहे हैं कि जो अभी हाल ही में 12 साल की बच्ची जो मृत हुई है और 28 साल का युवक जिनकी तीन छोटी छोटी बच्चियां हैं, और प्रशासनिक हमारे मुख्यमंत्री जी से हम ये मांग करते हैं कि उनको एक 50-50 लाख रुपए का मुआवजा राशि दिया जाए। छत्तीसगढ़ प्रशासन की तरफ से उनको राशि दिया जाए। और जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी बाहर राज्य में जाते हैं और 50 लाख रुपए ऐसी मुआवजा दे देते हैं, तो एक उनके ही राज्य में इस प्रकार का जो कारनामा हुआ है उनके लिए वो सहयोग प्रदान कर सकते हैं। और इस स्वतंत्र छात्र संगठन का एक मांग है और हम पूरे आईएसयू परिवार उन परिवारों के साथ है। मैं कुणाल वर्मा, जिला महासचिव दुर्ग छत्तीसगढ़ छात्र संगठन। अभी कलेक्टर साहब से हमें आश्वासन मिला कि हम इनको पूरा जाँच करेंगे और हम कार्रवाई करेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।